अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आलिफ शोबिज़ सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सीनियर अदाकारा फ़ायज़ा गैलानी के बारे में। यह अदाकारा जो कि आपको बेशतर ड्रामाज में एज आ सीनियर आर्टिस्ट नज़र आ रही हैं, यह अदाकारा असल में कौन है, इनकी फैमिली में कौन कौन है, आइए जानते हैं मुकम्मल डिटेल्स। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल आलिफ शोबिज़ सीक्रेट्स पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें। व्यूअर्स, फ़ायज़ा गैलानी पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। 3 मार्च 1980 को कराची में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 45 ईयर्स हो चुकी है। एज आ एक्ट्रेसेस और एज आ मॉडल इन्होंने शोबिज़ को ज्वाइन किया था। 1996 में पहली बार ऑन स्क्रीन इन्होंने डिफरेंट ड्रामाज में काम किया। दीवानगी, प्रेम गली, लाल कबूतर इनके कुछ टॉप प्रोजेक्ट्स हैं। जबकि इसके अलावा रिसेंटली ये अदाकारा ड्रामा मीसनी, ड्रामा तेरे मेरे सपने, ड्रामा पागल खाना, सीरियल किलर मन्नत मुराद, वर्किंग वुमेन, जन्नत से आगे में भी काम कर चुकी हैं। बात करते हैं व्यूअर्स यहाँ इनकी फैमिली के बारे में। तो इनकी फैमिली में इनके वालिद एक बिजनेसमैन थे, जबकि इनकी वालिदा एक स्कूल टीचर और मशहूर अदाकारा इरसा गज़ल इनकी कज़न हैं और इसी तरह उष्णा शाह भी। तो व्यूअर्स ये अपनी खाला और अपनी कज़न से ही इंस्पायर होकर इन्होंने शोबिज़ को ज्वाइन किया था। और मशहूर राइटर और डायरेक्टर शाह शर्बील भी इनके कज़न हैं। बात करते हैं इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो व्यूअर्स ये मैरिड हैं और इनके हस्बैंड शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते, नॉन आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये इनको काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है। शादी के बाद भी इन्हें काम करने से मना नहीं किया। इनके दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, जो कि कोई भी स्क्रीन पर काम नहीं करता, ना ही शोबिज़ से ताल्लुक़ रखता है। बात करते हैं यहाँ फ़ायज़ा गैलानी की फ़िज़िकल अपेयरेंस के बारे में। तो इनकी हाइट 5 फुट 2 इंच, इनका हेयर और आई कलर ब्राउन, इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान, इनकी हॉबी शॉपिंग करना, ट्रैवल करना है। तो व्यूअर्स, ये सीनियर अदाकारा फ़ायज़ा गैलानी आपको कैसी लगती हैं, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और शोबिज़ से जुड़ी मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल आलिफ शोबिज़ सीक्रेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।